तो एक गौरी का नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। हाँ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, बढ़िया होने विचे। तो दोस्तों मैं भी एकदम मस्त हूँ। आगे फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है, निशु ब्लॉग उत्तराखंड। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग 8:30 बजे से हो रही है और बहुत टाइम बाद हो रही है। तो अभी आई होप आपका नाश्ता नहीं होगा, मेरा भी नहीं हुआ है फिलहाल। बस नहा धो के मैंने सोचा थोड़ा आपसे भी मिल लूँ। तो अभी मैं घर पे अकेली हूँ, मम्मी लोग सब खेत गए हैं और दीदी गई स्कूल। तो आजकल दीदी की ना स्कूल में ज्वाइनिंग हुई है, मतलब ऐसी मतलब बच्चों को पढ़ाने की ये मतलब स्कूल में, तो मैडम बनी है आजकल दीदी। तो वो चली गई है स्कूल के लिए और दीदी उषा को पहुँचाने और मम्मी खेत गई है। तो मैं घर पर अभी अकेली हूँ, तो फिलहाल तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। आप भी कर लो नाश्ता। तो देखते ही देखते मैं आपको मौसम भी दिखा देती हूँ। आजकल मौसम बहुत ही बढ़िया है और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी होने लग गई है और बाहर धूप है बिल्कुल। और ये रही हमारी बकरियां। तो ये देख सकते हैं मौसम कितना साफ है, बट स्नोफॉल अभी पहाड़ों में ही है बस। तो अब गर्मी की टाइम गर्मी टाइम हो गया है, मतलब अब तो अब कोई बारिश वारिश होगी नहीं और बर्फ तो पड़ने से रही अब। तो ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा रूबी। रूबी देखो मेरे से बहुत डरते हैं क्योंकि मैं इसको बहुत मारती हूँ, घूमता रहता है। ये देखो जो छत में चले गया, वो देखो ला रूबी रूबी रूबी। ये देखो कितना छोटा है, मैं इसको लाई हूँ ला, बट ये मेरे से बहुत डरता है। अभी देखना ये देखो कैसे भाग रहा है, क्योंकि ना मैं इसको बहुत मारती हूँ। ये देखो चलो छोड़ो, इसको परेशान नहीं करते हैं। तो फटाफट से अब नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में क्या बना रखा है आज? तो दीदी ने मैगी बनाई है, तो रोटी तो है ही, तो फिलहाल मैं नाश्ता कर लेती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों मैंने नाश्ता भी कर ही लिया है, तो अब आपने भी कर ही लिया होगा फिलहाल। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, मैंने कल एक डायरी मंगाई थी, तो मेरे को ना मतलब लिखने का बहुत शौक है, मतलब कुछ भी मतलब जो हमसे रिलेटिव चीज़ें हो, तो मैं उन चीज़ों को लिखने में बहुत मतलब इंटरेस्ट रखती हूँ। मतलब अच्छा लगता है जो अगर खाली टाइम नहीं बैठे तो मैं सोच रही थी कि ना मैं एक डायरी मंगा लूँ। मैंने एक डायरी भी मंगाई थी कल, ये देख सकते हैं। तो इसमें मैं मतलब जो हमसे रिलेटिव चीज़ें हैं, मतलब जो हमें जानकार होनी चाहिए, वो चीज़ें लिखने के लिए मतलब बहुत सोचती हूँ। तो मैं आज से स्टार्ट करूँगी लिखना। तो डायरी और पेन मैंने उससे मतलब बोला था खाली, बट उसने मेरे को दे दिया सरप्राइज़, और मेरे को पेन बहुत अच्छी लगी मेरे दोस्त ने। तो दोस्तों मेरी खाना बनाने की तैयारी चल रही है दादा के यहाँ। तो दादा के यहाँ हम कुछ मतलब मीट वगैरह कुछ बना रहे हैं अभी। तो ये रहा धनिया, मैंने काट दिया इसको बारीकी से, और ये रहा लहसुन, लहसुन के पत्ते हैं ये, मतलब इनको ना सब्जी में डाल के बहुत ही टेस्ट होता है। तो मैंने प्याज और हरी सब्जी, टमाटर और धनिया तो काट दिया है। अब दादा बनाए या ना बनाए दादा की मर्ज़ी। तो मैं अब थोड़ा घर पे जाती हूँ, फिर दादा बनाएगा तब आऊँगी। तो ना बोरियत भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो बस ऐसे ही लिखते लिखते टाइम पास कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी तक बस एक पन्ना और दो पन्ने ही लिखे हैं, आगे अभी भी बहुत है, मैंने फ़ोन में निकाल रखे हैं। तो ऐसे ही लिख रही हूँ, धूप भी बहुत ही बढ़िया लगी है। तो दोस्तों लिखते लिखते पता नहीं आंखें कब लग गई, तो खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक, बस अभी उठ रही हूँ। आई होप आपने खा लिया होगा, 2 बज चुके हैं अब, तो मैं भी खाती हूँ, इतना लेट हो गया मेरे को पता भी नहीं चला लिखते लिखते। तो मम्मी ने ना ये जौ सुखाने के लिए डाले थे ये, और बंदर इनको खा के चले गए यहाँ से, गिरा के यहाँ बंदर आए यहीं पे। और इसको देखो जब बंदर आया ना, ये ऐसा भाग रहा था ना सीढ़ियों में से। तो मेरे को लगा था दादा ने मीट बना दिया होगा, तो अभी तक नहीं बना है। तो दादा अभी बुला रहे हैं, बनाते हैं करके, तो मैं भी जाती हूँ वहाँ, तो वहीं खाएंगे साथ में, बुला रहे हैं दादा। तो मैं अभी खा रही हूँ चावल मीट के साथ, देख सकते हैं दादा ने बनाई है, और बहुत ही मिर्ची हो रहा है। तो मैंने ना फिलहाल अभी बस इसके पीस खाए हैं ना, देख सकते हैं गाल कितने लाल हो गए हैं मिर्ची से, बहुत ही मिर्ची हुई है, और काटी भी मैं नहीं थी मिर्ची। तो अभी मैं चावल खाने के लिए घर पर आ गई हूँ लेके। तो ये महक और रोहित
मैं बर्फ खा रहे हैं क्योंकि भाभी आज जंगल से बर्फ लाई है ना। तब मैं को देखो कैसे खा रही है। तो एक गौरी का नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है कंकरों का, ये देखो। और ये दीदी बर्तन साफ करने आ रही है धारा, और राखी भर के ला रही है पानी। तो मैं भी ना गांव से ऊपर पत्थर लेने ही आई हूँ, क्योंकि ना आजकल हम मतलब कंकर वगैरह कूटते रहते हैं, क्योंकि ना हमारे यहाँ ना RCC रोड आई है ना, तो उस वजह से ना गांव वालों को बोला है, मतलब सरकार द्वारा आई है तो गांव वालों को बोला मतलब कंकर कूटना करके, तो हम ऐसे ही कंकर कूटते हैं टाइम पास के लिए। तो ये रहा हमारा गाँव, तो हम यहीं से ले जाते हैं पत्थर, बस गाँव से थोड़ा ऊपर। ये रहे पत्थर ऐसी वाले, देख के ले जाते हैं फिर घर जाके कूटते हैं इनको। और धूप भी अभी पार पहुँची गई है। और ये रहे हमारे खेत वगैरह, गेहूँ जौ, हरियाली हरियाली। तो दीदी भी पीछे से आ रही है, फिलहाल नहीं पहुँची है। तो कंकर कूटना भी एक काम ही है, तो हम अब मैं फटाफट से ना पत्थर ले जाता हूँ, सबसे पहले भर लेती हूँ। ये देखो छोटे छोटे बच्चे तरक्की में, पत्थर देखो इनके पीठ में। कैसे ले जा रही है, अच्छी थकान नहीं हो रही है ना?